ऑफिस के अध्यक्ष या सहायक अभियंता जी, हमारे सैनी जी, कनिष्ठ अभियंता हमारे भाई राम जी और दूसरे हमारे नीचे के सेक्शन के क्या नाम शिवभाग जी, हमारे दोस्त के बेटे हैं, इन्होंने भी आके यहाँ बहुत अच्छा मान सम्मान दिया। तो जो ये परिवार है, ये हमारे भाई जगतराम जी का जुड़ा हुआ है। जब यहाँ लिस्टें बनती थी तो इन्होंने कितनी मेहनत से यहाँ सुहार घाट में बहुत सारे लोगों को रोजगार के तरफ लेके गए। इन्होंने ऐसा भी नहीं किया किसी का एक दिन या दो दिन का कुछ भी था, वो परमात्मा जानता है या ये दो चार आदमी जानते थे कि जो आज मेरे ख्याल यहाँ से जो पांच सात तक यही चले गए उन्हें बन के। और इसी कड़ी में हमारे पास 18 या 20 वर्क इंस्पेक्टर थे। तो ये मेहनत किसकी थी? आप सभी लोगों की ताकत थी, आपके सामने थी, मतलब कुछ काम के लिए हुनर चाहिए था। और जो आपके साथी थे, मेरी यूनिट के जो टीम थी, हमने इकट्ठे होकर के पूरे ब्लास्ट में, पूरे हिमाचल में हमने एक टूर किया था, जिसका परिणाम आप आज आपके सामने है। आने वाला दिन जो है भयानक समय, चाहे पॉलिटिशियन कैसी भी हो, यानी कि इस ऐसा अब अगली हवाई अलग होगी, वो जो प्यार पीछे मिला शायद ये मौका आगे आपको हम तुम्हें नहीं मिलेगा। हम बुजुर्ग की तरफ जा रहे हैं, 60 साल से ऊपर निकल गए, मेरे साथी मेरे ख्याल बहुत करीब 5-10% रह गए। उन्हें हमारे पास कम से कम पिटोली में 1000 वर्कर था और कुल मिला के हमारा ब्लास्टर का मैं क्या हजारों में थे जो वर्कर हमारे साथ एक साथ पके हुए। उस टाइम की बात थी, इस टाइम मैंने बोला अभी बात चली थी कि उस टाइम हमें मिलते थे 20 रुपए और जो मजदूर डीसी ऑफिस का सरकारी रेट था वो 42 रुपये था। मैंने बोला हमें भी मिलने, बोले पागल सरकार आएगी जो करेगी। हमारे मजदूरों ने या भाई जगतराम जी आज ऑफिसर हैं, कल को ये एसडीओ भी रिटायर होंगे या अपने पद से कहां तक चल जाएंगे, पर इन्होंने जो मेहनत की है उस टाइम की, हमने सुप्रीम कोर्ट तक हमारे साथी गए जिन्होंने उस मेहनत को लगाया। आज मैं क्या इस एरिए में जितना सूखा पड़ता था बिलासपुर के जो नैना देवी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, मेरे ख्याल हर कोई हर गांव में 10-10, 20-20 हमारे कर्मचारी थे। तो मेरे साथियों, आपके साथ मेरे हरिपाल भाई या प्रेम, इन्होंने जो संघर्ष के साथ हमारे साथ काम किया और अधिकारियों ने जहां इन्हें बुलाया वहां ये पहुंचे, कठिन से कठिन काम भी हमारी लेबरों ने किया। पर आने वाले वक्त में शायद ऐसा नहीं हो कि ठेकेदार प्रथा ही बंद हुई जाओ, मतलब मंत्री संतरी जी रहने पे झंडियाँ जो गई, अधिकारी दिन रखना कोई नहीं आ। हमारे पास इंजीनियर गुप्ता जी होते थे, वो पता क्या बोलते थे, मैं कहा सर ये काम है, बोला मेरा काम थोड़ा है, मैंने तुम्हारा काम किया, बोला मेरा काम तो नक्शा पर्चा देखना है, ये तो जेई को पूछो कहाँ लगाना उसने, क्योंकि वहाँ से पैसे चलेंगे तो जेई की MP में ही खत्म होंगे। एक बार सूद चीफ सेक्रेटरी थे, हमने उनके पास बोला भाई आप तो काम करते ही कख नहीं, आपको पता जितना काम मिले चाड़ू थोड़ा प्रोग्रेस होनी, कपड़े प्रेस करने थोड़ा प्रोग्रेस होनी, लेबर हमारे पास है, आपने जितना देना है ठेकेदारों को दे रहे हैं, मेरे ठेकेदार बुरा ना माने, आज जितने भी अमीर पार्टियां हैं उनको सारा काम दिया जा रहा है, सरकार चाहे कांग्रेस की हो, चाहे सरकार BJP की हो, चाहे किसी की हो, गरीब आदमी का जीना औखा है। जिन अधिकारियों ने हमारे साथ हेल्प की है, हमारे सैकल बाबू जी होंगे से पता क्या उनसे अस पंजाब है दिन दे रहा चंदा तो मतलब वो इकट्ठे हो जाओ नहीं था भूखे मरने। तो जो कलयुग संघ है शक्ति, अगर संघ के साथ 4 आदमियों के साथ आपके बीच ताकत है, अगर अकेले अकेले जाओगे तोड़ मरोड़ के फेंक देंगे। तो ये अपने बच्चों के अपने साथ आज मतलब देखे फोर लाइन आई, रेलवे आई, बहुत लोगों को इतने पैसे मिल गए थे कि हद से ज्यादा, पर अगर अगले बच्चों के लिए संभाल के जो चीज रखने की है, जिस तरह हमने आज अपने टीम को चलाया, हजारों को अब नौकरी में लगाया, तो अब अगले बच्चे मिले सुहारघाट में डिवीजन 2 में 100 बुजुर्ग उन्हें से जे
90 80 85 इतना से जे कितना पक्का करा रहा थे 50 साल रहा 50 साल रहा 53 साल रहा 54 साल नंता मेट हुआ पक्का था तीसरा 54 साल 52 साल रहा पाऊ और 54 साल रहा पक्का हुआ 92 साल रहा था किसकी देन थी हमारे साथियों की टीम की हमारे नेताओं की हमारे कर्मचारियों की जिन्होंने बोलेरा सारी उन्हें तोड़ पकी इनको रोजगार मिला। तो मैं सभी अधिकारियों का जिन्होंने उस टाइम हमारे साथ काम किया हमारे साथ हमें मजदूरों को हमें गरीबों को अपने गले लगाया मैं उन सभी अधिकारियों का धन्यवाद करता हूं और उन नेताओं का भी धन्यवाद करता हूं कि वो फले फूले आगे संसार में जाकर के फिर ऐसा गरीबों के मसीहा बन के आए। जय हिंद जय धन्यवाद कैंट जी आपने बहुत अच्छे कनिष्ठ जनता अनुभाग जी से निवेदन करूंगा कि मंच पर आए अपने विचार विमर्श करें। श्री चंदेल जी हमें मालूम है